आज हम लोग रोटरी भवन बरेली में अपने इवेंट पर जा रहे हैं। ऐसे चित्रकारों को, ऐसे यंग जनरेशन को हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास सिर्फ कागजों में ही नहीं असलियत में भी छोड़ सके। तो अब हम इस कार्यक्रम को शुरू कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कविता मैम मिली जिन्होंने हमें यहाँ पर इन्वाइट किया था। इन्होंने गांव के ऊपर बहुत ही अच्छी पंक्ति सुनाई जो आपको भी सुननी चाहिए। बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ सुना जा चुका है। गांव क्या है, गांव की खातिर शहर सुन, गांवों की धुन, घर कच्चे पक्के होते थे। आने वाली पीढ़ी को ये गांव नहीं दिखेगा, यही चिंता है सती जी की। ऐ शहर सुन, गांवों की धुन, घर कच्चे पक्के होते थे। चार चार बहन भाई सब एक कमरे में सोते थे। आप देख रहे हैं हमारे सामने बैठी एक बहुत ही मासूम सी मेरी छोटी बहन नूर जहां, जो बहुत ही अच्छी चित्रकारी करती है, पेंटिंग्स बनाती है। एक बार जोरदार तालियां और नूर जहां के लिए। तो जितनी शांत है आपकी तालियों की गूंज उतनी तेज होनी चाहिए ताकि उसे समझ मिले, बल मिले और प्रेरित रहे कि वो आगे भी ऐसे कार्य जारी रखें। ये वो बच्ची है जो वायरल है, इसको इंटरनेशनल फेम मिल चुका है। ये बच्ची वही है जो एक हाथ से 15 पेंटिंग एक साथ बनाती है। इसने लाइव पेंटिंग बना के भी गुड़गांव में भी दिखाया है और बहुत ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल फेम मिल रहा है इस लड़की को। और ये बच्ची सच में अजूबा है। कई लोगों ने इसमें शक किया कि ये बच्चा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हाथ से 15 पेंटिंग बना ले। तो आप इसके गांव जा सकते हैं और इसमें इनके पिताजी को भी बुलाना चाहती हूँ कि वो मंच पर आए। और ये बहुत ही हमारे गौरव का विषय है कि बरेली आने से सम्मानित करके स्वयं सम्मानित हो रहा है। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। नूर जहां नाम है इसका। और मैं चाहूंगी कि इस बच्ची को बरेली की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको सम्मान दे। सम्मान के साथ साथ इसकी और भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने में आगे आइए, यही इसका सच्चा सम्मान होगा। ढेर सारा आशीर्वाद नूर जहां। यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड की मशहूर गायिका उत्प्रेती सिस्टर्स से मिले और हमें बहुत मजा आया सब लोगों से मिलकर यहाँ पर। हम लोगों ने लिफ्ट की सैर की और बहुत मजा आया हम लोगों को। कुछ नहीं है, हवाई जहाज में बैठोगी तो कैसे जाओगी। आइए आइए
है।